भी ठूसिए हो का? अरे कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे एजी एजी, और तुम हो कि सुनाई नहीं दे रहा है? अरे का पैदा होते लाल मिर्चा निगल लिया था का? जब देखो तब चिल्लाती रहती हो। अरे देख रही हो, हम अखबार में भर पहली भर रहे हैं। वो तो हर महीने भरते हो। और हर महीने पुरस्कार भी तो हम ही जीतते हैं। तब तो बड़ी बलाएं लेती हो। हमारे पति बहुत होशियार हैं, हमारे पति ऐसे हैं, हमारे पति वैसे हैं, और अब डिस्टर्ब कर रही हो। जाओ जाके चाय नाश्ता तैयार करो, दफ्तर के लिए देर हो रही है। अरे वही तो बताने आए थे, घर में चाय बनाने के लिए शक्कर नहीं है। तू को शक्कर की जगह हमें डालोगी चाय में? चलो चूल्हे पे चढ़ जाओ, डाल देते हैं। तो कहा बिना शक्कर की चाय बनाए? अरे पगला गई होगा, हम बिना शक्कर की चाय कैसे पियेंगे? ये बात भी सही है। अच्छा हम सोच रहे थे कि हम ना चाय को झूठा कर देते हैं, अपने आप मीठी हो जाएगी। क्या हुआ, आंखें फाड़ के काहे देख रहे हो? जब तुम्हारे प्रेम का बल्ब जलता है ना, तो खुद ही कहते हो इंदुमती जरा यहाँ तो आओ, जरा चाय को झूठा कर दो और भी मीठी हो जाएगी। क्या हुआ, हाँ प्रेम का बल्ब फुल सो गया? हाँ देखो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे, हम दफ्तर में चाय पी लेंगे। बात और सुनो, आते वक्त शक्कर लेते आना। हाँ सुना दिया कि नहीं? सुना नहीं जा रहा है, हम सबको दिखाएंगे। ए मिर्चा, ए मिर्चा, ए मेरे पापा, आ जाओ आ जाओ, ए रामकली, ए कौशल्या, ए कौशल्या, आ जाओ आ जाओ, आ गई मिर्चा, आ गई, ए मेरे पापा आ गई, ए कौशल्या, रामकली आ गई सब। अरे क्या हुआ मौसी? मिश्री काहे गला फाड़ के चीख रही हो? अरे गला फाड़ के नहीं चीख रही है, गोलू की अम्मा बात कर रही हो। दीदी तो खुशी से चहक रही है। है खुशी से? कौन खुशखबरी है का? सुरील की शादी तय हो गई लगता है। अरे शादी तय तो पिताजी की होती थी। चुप करो। अरे सुरील की भी तय हो जाएगी। हाँ। दीदी तो किसी और वजह से खुश हो रही है। बताते नहीं दीदी, दिखाते हैं। देखो सोने के कंगन। हाय दया, कितने गजब तोड़ कंगन है। अच्छे है ना? अच्छे नहीं है मौसी, बहुत अच्छे है। किसके है? किसके से कोई मतलब है तुम्हारा? है हमरे है, सुनने के बाप पूरी खाद मरवा के भिजवा है हमरे लिए। अरे वाह मौसी, मौसा जी तो बड़ा गजब का काम किए हैं। और नहीं तो का, हम एक बार उनसे कहे थे जब पिछली बार यहाँ आए थे, सोने के कंगन चाहिए, आगे जाके सुनील की शादी के लिए काम आ जाएंगे। हैं हमरे इस मांग का मान रखते हुए हमने लिए कंगन बनवाए भिजवाए हमरे लिए, देखो। अरे मौसी अभी हम चलते हैं, हमको बहुत जोर से भूख लगा है। मिश्री हम भी चलते हैं। कंगन हमरे बहुत सुंदर कंगन है। अरे दीदी कंगन तो सुंदर है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि कंगन अगर थोड़े और बड़े होते तो तुम बड़े कंगन पहन के उनसे खीरा छीन लेती। नहीं कर रहा है देखो तो, सोने के कंगन पहन के हम खीरा छीलेंगे, बताओ। ए मामा तुम तो औरतों की बातों में चुप ही रहो। हाँ मौसी तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर लग रहे हैं ये कंगन पहन के। मुकुंद से कहो तुम्हारे लिए भी कंगन दिला दे। सरमान देखो रुको, उसको दिखा के आते हैं। सरमान हमारे मिश्री है। इंदुमती हम ये सोच रहे हैं कि तुम मुकुंदी बाबू से मत कहो। काहे? क्योंकि हर पति इतना दिलदार नहीं होता जितने दिलदार हमारे जीजा है। वैसे दिलदार तो पिताजी थे। ए मामा हमरे जे भी बहुत दिलदार है, अगर हम कहेंगे ना हमरे लिए जान दे देंगे, समझे ना? अच्छा कंगन ला के देंगे? अरे कोई बात नहीं। देखो भाई अगर मुकुंदी बाबू कंगन ला के तुम्हें नहीं देते हैं तो क्या हुआ, चुकुंदी जब बड़ा हो जाएगा ना तो वो तुम्हें कंगन ला के दे देगा। हाँ लेकिन तब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा। ए मामा अगर एक बार भी हमने अपने पति से कहा ना कि हमका सोने के कंगन चाहिए, तो सोने के कंगन ना पूरे सोने की दुकान खरीद के देंगे हमरे लिए, समझे ना? ये लीजिए मुकुंद बाबू आपकी चाय, और ये आपकी। क्या बात है मुकुंदी बाबू,
लगता है आज पत्नी ने चाय पिला के नहीं भेजा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो तो हमें ही देर हो गई, इसलिए चाय पिए बिना ही चले आए। हाँ भाई, अक्सर ऐसी देर हमको भी हो जाया करती है। खैर आप चाय पीजिए। अरे इधर आ। हाँ सर। इधर आ। ये कैसी चाय है, शक्कर तो है ही नहीं। चाय वाला भी तो यही कह रहा था कि शक्कर नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ चाय दे देंगे। तो रुक काहे नहीं गए? आप ही ने तो कहा था कि जितनी जल्दी हो सके चाय ले आओ, बहुत चवास लगी है। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। यहाँ भी शक्कर नहीं, घर में भी शक्कर नहीं, शक्कर के चक्कर में हम घन चक्कर बन के रह गए। ए जी, ए जी। आ गए। अच्छा हुआ आज जल्दी घर आए। क्यों, आज हमसे भजन करवाओगी का? भजन ना ही, भोजन करवाएंगे, वो भी एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप वाला भोजन। बोलो कहाँ खाओगे? क्या बात है, आज एकदम लौंग से गुलकंद और दही से श्रीखंड काय हो रही है। हमसे कुछ काम है का? का है? बिना काम के हम अच्छा खाना नहीं बनाते का? अब पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं। बताओ। ओ, मौसी को ना, मौसा ने ना सोने के ना कंगन बनवा के भिजवाए हैं मुंबई से। तो ये का कि तुम हमारे लिए भी सोने के कंगन बनवा के दो ना। ए जी, बनवा के दो ना, हमका बहुत अच्छा लगेगा। अगले महीने ना हम अपनी बुआ की बेटी की शादी में जाएंगे ना, तो जरा सोचो कंगन पहन के जाएंगे तो दिखा दिखा के बतियाएंगे, काम मजा आएगा, एकदम लल्लन टॉप लगेंगे हम तो। पगला गई हो क्या इंदुमती? सोने के कंगन है, कोई मूंगफली नहीं है कि गए और खरीद के ले आए, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। चलो हमें हाथ मुंह धोना है, लो पकड़ो शक्कर। चलो के पति है जो बंबई से कंगन बनवा के भिजवाते हैं, और एक तुम हो, तुम पति ना ही वनस्पति हो, तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी, एक कंगन तक नहीं दिलवा सकते हमका? अरे तो हमने कब मना किया है कि कंगन नहीं दिलवाएंगे? तो कब दिलवाओगे बोलो? बोलो। अरे जब चुक्कू बड़ा हो जाएगा तब, जब हम बुढ़िया जाएंगे तब, जब चूड़ी मजाना देगी, जब कंगन मजाना देगा तब। चूड़ी मजाना देगी, कंगन मजाना देगा। मारो ए आ, अच्छे कहे नहीं होंगे, तेरे बापू ने इतने प्रेम से भेजे हैं। अरे प्रेम से नहीं दीदी, मुंबई से भेजा है। कहाँ बगलोली कर रहा है दिखा? अरे बगलोली तो पिताजी किया करते थे। दीदी तुम्हारे हाथ में ये कंगन कितने चमक रहे हैं, है ना सुरीली? मायो एक बार कहा है दीदी बार पहनो ला। कल को तुम्हें पहने हैं ये कंगन है? कल को दीदी, कल क्या है? छोटू दिमाग के कच्चे हो, कल का मतलब ये है सुरेश बाबू के साथ सुरीली की शादी जो होगी, तो सुरीली के हाथों में यही कंगन पहनाएंगे। सुरेश बाबू कितने खुश हो जाएंगे जमजमाते कंगन सुरीली के हाथ में देखकर। ए मां, ए ओ, ए ए मी ए आए। देखा, कह रही है कंगन पहनेगी बिजी के नाम के ही, और बिजी लाके देगा कंगन। अरे कंगन तो पिताजी लाते थे। अरे बिजी पांडे के जेब में नहीं है एक भी चवन्नी, और बातों में है अठन्नी। अरे बिजी पांडे तुम्हें कंगन क्या, चूड़ी भी नहीं ला के दे सकता, चूड़ी भी नहीं। माँ आओ, बे आया मैं ना, बे आया ये आया मैं ना, ये आया मैं ना। अरे दीदी क्या कहा इसने? महंगा। अरे ये तो पड़ गया बहुत महंगा। क्या बात कर रहे हैं मामा? हम लड़की देखने जा रहे थे, तो पिताजी ने हमसे कहा कि भाई अगर लड़की वाले तुम्हें स्कूटर दें तो तुम कार मांग लेना, और अगर दुकान दें तो हवेली मांग लेना, और अगर पंखा दें तो कूलर मांग लेना,
तो पता है हमने अपने पिताजी से क्या कहा? क्या कहा मामा? भाई हमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अगर लड़की वाले हमें लड़की दें तो हम उसकी अम्मा मांग लें। अरे ये मुकुंदी बाबू को देखो, मुंह पर भारा क्यों मजे इनके? अरे हाँ, अरे मुकुंदी बाबू कहाँ जा रहे हैं? घास चरने जा रहे हैं, चलिएगा। अरे घास चरने तो पिताजी जाया करते थे और आज हम जा रहे हैं। क्या बात है मुकुंदी भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ जीजा जी, आप इतने चिढ़े हुए क्यों हैंगे? तुम्हारी दीदी की वजह से। क्यों, दीदी ने क्या किया हैंगे? जिद पकड़ रखी है कि हमें सोने के कंगन चाहिए। ये पत्नियां बिना कसम से किसी बात को नहीं समझती। अरे मुकुंदी बाबू देखिए, पति जो है वो एक पंखे की तरह होता है, पत्नी जब चाहे पंखा चला दे, पत्नी जब चाहे पंखा बंद कर दे, बस पति का काम होता है कि बस पंखे की तरह घूमते रहो। हाँ, और मजे की बात तो ये हैंगे कि वो बेचारा पंखा खुद अपनी हवा नहीं खा सकता हैंगे, घूमता वो रहता हैंगे और पत्नी हवा खाती हैंगी। भाई हवा तो पिताजी की पत्नी खाती थी। अरे मुकुंदी बाबू कहाँ जा रहे हैं, पूरी बात तो सुनते जाइए। भाई देखिए मुकुंदी बाबू, क्या है कि पति दो प्रकार के होते हैं। एक पति होते हैं अड़ियल पति, जो पत्नी की कोई बात नहीं मानते, और दूसरे पति होते हैं जड़ियल पति, जो पत्नी की हर बात मानते हैं, मतलब जो जड़ से पति होते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आप किस प्रकार के पति हैं, आ या जा? आ, मतलब अड़ियल पति, इसलिए पत्नी की कोई भी बात नहीं मानेंगे, समझे? चलते हैं। बिजी 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 पांडे, यार अजीब बात है, पापा कसम गुड्डू के बिना भौंकने मजा भी नहीं आता, और ये है कि अपने बीवी के पल्लों के पीछे चिपके हुए हैं। भैया, अबे आ गए। पापा कसम अपनी वाइफ की आंखों के तारे, अबे ऐसे कैसे आ गए प्यारे? भैया दुनिया जी गई है मायके, इसलिए हम आ गए आपके पास अपने आप को उठाई के। सच कह भैया, तो आपके बिना मजा नहीं आ रहा था। रियली? तो फिर भौंकते हैं भैया। भौंकते हम हैं, तुम नहीं, साले तुम बिल्ली हो, 24 घंटे अपनी वाइफ के पीछे चिपके रहते हो, चुप रहो। ये है एनर्जी वाली भौंक। आ गई, आ जाओ आ जाओ, बाकी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओहो पापा कसम यार, बी ओनली योर। सुरीली यार, हम ये सोच रहे थे कि जब हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, और जब हम कचहरी से घर आएंगे, तो हम ऐसे कुंडी दरवाजे की नहीं बजाएंगे और ना ही बेल बजाएंगे, हम ऐसे यहाँ आके करेंगे, तुम ऐसे भागते हुए निकल आना। हमें शर्मा गई, देखो यार सुरीली, जब तुम ऐसे रोमांटिक होके शर्माती हो तो ये जो हमारा सीना है ना, सीने के अंदर जो दिल है वो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करने लगता है। सुरीली यार, कल हमारे लव की एनिवर्सरी है, तो बोलो तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए? अरे यार पिछले साल चूड़ियां ही तो दी थी। मोए मोए चमचम, यानी तुम मोटे मोटे कंगन की बात कर रही हो? ओके, हम मोटे मोटे तुम्हारे लिए कंगन लेके आएंगे, जैसे मामा का पेट मोटा मोटा है ना, वैसे वाले, और हर कलर के लेके आएंगे, ग्रीन रेड व्हाइट एवरीथिंग, और अपने हाथों से पहनाएंगे। मौसी, अबे गुड्डू, पापा कसम मौसी हो या मामा, हमको कोई नहीं रोक सकता गुरु। अरे भैया लेकिन मौसी। अबे यार गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो बे, अबे डायनासोर बन के शोर मत मचाओ, देखो यार कितना रोमांटिक फाड़ू सीन चल रहा है बे। और पड़ेगा आपको झाड़ू। अबे अच्छा भागो अंदर, जरा बाजार नहीं गए तो शुरू हो गए हैं। चुप करो, परेशान कर रखा है। हे भगवान, 5 बज गए, घर पहुंचने का समय हो गया। इंदुमती तो इंतजार में बैठी होगी कि कब हम घर पहुंचे और वो हमारे कच्चा चबा जाए।
सोने के कंगन का भूत उतरा थोड़ी ना होगा उसके सर पर से, जाती शुरू हो जाएगी। हे भगवान, अब क्या करें? एक काम करते हैं, सुनार की दुकान पे चल के पूछ ही लेते हैं कि कंगन कितने के बनेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं मुनीम जी? मक्खी मार रहे हैं। एक समय था जब इस दुकान पर ग्राहकों का झुंड लगा रहता था, और अब मक्खियों का झुंड है चाराने काट के। आप बार बार यही कहना चाहते हैं मुनीम जी कि हमें धंधा करना नहीं आता? और नहीं तो क्या? अरे एक आपके पिताजी थे और एक आप है चाराना काट के। सर मुनीम जी। अरे मुकुंदी बाबू आइए आइए आइए। अरे आओ आओ मुकुंदी बेटा, कैसे हो? और बेटा कैसा है चाराने काट के? जी बस सब ठीक है। बेटा जब आप हमारी दुकान पर आई गए हो तो बहू के लिए कुछ दिखा देते हैं चाराने काट के। जी बस वही सब देखने आए हैं। हाँ हाँ। अरे मुकुंदी बाबू देखिए, ये सब देखने के लिए ही तो है, देखिए ना आप, देखिए। सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बेचने के लिए भी है चाराने काट के। आइए आइए आप बैठिए मुकुंदी बेटा। अब बताइए आपको क्या दिखाएं बेटा चाराने काट के? जी कुछ ऐसे सोने के कंगन दिखाइए जो मजा दे। क्या मतलब? कुछ अच्छे से सोने के कंगन दिखाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखिए देखिए ये लीजिए, नए डिजाइन के नए कंगन हैं, बहुत ही खरे सोने के बने हैं, एकदम ललन टॉप, बहू के हाथ में बहुत अच्छे लगेंगे, ले जाइए चाराने काट के। जी वो तो ठीक है, लेकिन हम तो बस इतना ही पूछना चाह रहे थे कि ऐसे कंगन कितने के बनेंगे। अरे मुकुंदी बाबू आप तो घर के आदमी हो, लगा देंगे ठीक ठाक, बस यही 60,000। 50,000 में ले जाइए मुकुंदी बाबू, 50,000 में। आप तो हमारे अपने हैं। 50,000? अरे मुकुंदी बेटा क्या हुआ चाराने काट के? छोटे मालिक ये धंधा आपके बस का नहीं है, अच्छा भला मैं 60,000 की बेच रहा था, बीच में तपाक से 50 बोल दी चाराने काट के। आपसे अच्छा धंधा करना जानते हैं मुनीम जी, देखा नहीं आपने 50,000 बोलने पर मुकुंदी बाबू भाग लिए, अगर हम 60,000 बोलते ना तो वो यही बेहोश होके गिर जाते, फिर दवाई का खर्चा अलग, डॉक्टर का खर्चा अलग, और हम तो आपका खर्चा उठा ही रहे हैं आठ आने काट के। क्या बोला चाराने काट के? हे भगवान इतनी खामोशी, बेटा मुकुंदी लाल गुप्ता ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है, संभल के रहना, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? का कर रही हो इंदुमति? का कर रही हो मैं, पल रो रहे हैं आप। ऐसे आधी रात को अपनी अम्मा को याद कर रही हो का? नहीं, हम वो दिन याद कर रहे हैं जब हमने तुमसे शादी हुई थी,
अपनी विदाई को याद कर रही हो का? नहीं, बर्बादी को याद करके रो रहे हो। तुमसे शादी करके जिंदगी झटक गई है, यही कहना चाहती हो ना? हिंदुमती, अब तो बहुत समय गुजर चुका है, हम कर ही क्या सकते हैं? वैसे भी तुम कर का सकते हो, शादी के इतने साल के बाद कंगन ही तो मांगे थे, तुमने तो ऐसे साफ मना किया जैसे अब ताज में लाल किला मांगे हो। हिंदुमती, हम हमारी बात समझने की कोशिश करो, हम तुम्हें कंगन नहीं दिलवा सकते। वो आपको पता है, आज से कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो तुमने? का? तो हनीमून पे कौन लेकर गया था? बरगद के पेड़ का नया भूत? इसलिए ले गए थे ना, ताकि आज ही बात हमका सुना। इंदुमती, हम कुछ करेंगे। तुम हमारी बात मान रहे हो? हमारे लिए सोने का कंगन खरीद के दिलवाओगे ना? ऐसे कंगन कितने के बनेंगे? बस यही 60,000। 50,000 में ले जाइए मुकुंदी बाबू, 50,000 में। हमें सोने के कंगन खरीद के दिलवाओगे ना? कहा ना इंदुमती, हम वो सुनार की दुकान पे गए थे। हम जानते थे आखिर हमरे पति वनस्पति ना ही, हमरे पति है, हमरे पति है। क्या बोला सुनार? वो बोला, का बोला? नहीं, हमने पूछा। का पूछा? ये सोने के कंगन कितने के बनेंगे? हाँ, का बोला? तो वो बोलो 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 तो बोलने तो दो। वो बोला कि कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000 तो बहुत कम है। कम है? हाँ। लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है इंदुमती, इसलिए कंगन मंगन सब भूल जाओ। Thank you.